हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहन मोहम्मद है और मैं ईशान मेडिकल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, फोर्थ ईयर का। तो ना आज हमें एक वॉइस मिली है जो कि बहुत ही सेपरेट हो गई है और वो ये कह रहे हैं कि ईशान मेडिकल इंस्टीट्यूट ब्लैक लिस्ट है, कभी ग्रीन नहीं होगा, अब वो बंद हो गया, फ्यूचर गया सारों का। तो आप वहाँ से यानी कि माइग्रेशन ले लें, चले जाएँ, आपका फ्यूचर डार्क हो रहा है, आप कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकते। तो मैं भी थोड़ी सी देर सुन हो गया तो मैंने फिर कॉल की PMC के ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे बताया, वो यानी कि वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैंने की है और वो मैंने डाली इस वीडियो के अंदर, आप उसे गौर से सुने। तो उन्होंने मुझे कहा है कि अभी ये जो है ना इन द प्रोसेस है, अभी इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप फ़िलहाल सुकून रखें और कहीं भी माइग्रेशन ना कराएं। जब कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो तब आपने ना मूव ऑन यानी कि आगे का सोचना है। तो मैं आज़मी वालों से ये कहना चाहता हूँ यार, इंशाल्लाह अजमी होगी ग्रीन दी लिस्ट और हम यहाँ से ही डिग्री लेंगे। तो यार फेक न्यूज़ पे ना जाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ग्रीन लिस्ट होने वाली है। तो आप वीडियो देखें और जो भी हो ना, कोई मसला हो तो नीचे कमेंट में आप लाजमी कर देना। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। आप PMC से बात कर रही हैं? PMC। मैं ना एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट कर्गिस्तान जी। उसके हवाले से बहुत ही फेक न्यूज़ आ रही हैं या ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि वो बंद हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट है तो ग्रीन नहीं हो सकता, क्या ये सच? न्यूज़ पे तो बिलीव होना ही नहीं चाहिए, जब तक आप खुद आपको अनाउंसमेंट नहीं शो होती आप लोग जी। हाँ यानी कि ये फेक बात है कि वो अब यानी कि ग्रीन नहीं होगी। आपका कहने का मतलब ये है कि अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई? नहीं सर, अभी तक फिलहाल जैसे है नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।